नाज़रीन, आप जानते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में 42 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक दौड़ने की एक मैराथन रेस का ऐलान किया गया है। मैराथन रेस दुनिया की मशहूर तरीन रेसों में शामिल है। इसके हवाले से बहुत सी कहानियां और बहुत ही दिलचस्प किस्से मशहूर हैं। वो क्या हैं? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कहानियां झूठी होने के बावजूद इतनी दिलचस्प होती हैं कि लोग उन पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन मैराथन दौड़ की कहानी के मुतालिक मालूम हो जाने के बाद भी कि ये सरीहन झूठी है, लोग इस पर यकीन ही नहीं करते, बल्कि इस कहानी के सहर में खोए हुए हैं। और अब अगर उन्हें कोई कहे भी कि ये झूठी है और उन्हें यकीन भी आ जाए कि ये वाकई झूठी कहानी है, फिर भी वो मैराथन दौड़ना नहीं छोड़ेंगे। शायद जिस तरह खुदा के मुतालिक गोयटे के मशहूर आलम ड्रामे फायोस्टिस में डॉक्टर फायोस्टिस कहता है कि अगर कोई खुदा ना होता तो निज़ाम हयात चलाने के लिए एक खुदा का तख्लीक करना ज़रूरी हो जाता, क्योंकि खुदा के वजूद पर यकीन किए बग़ैर कारोबार हयात चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। इसी तरह मैराथन की कहानी झूठी भी है तो उस पर यकीन कर लेना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, न सिर्फ माली बल्कि जिस्मानी तौर पर भी। दुनिया भर में हर उम्र के लाखों लोग मैराथन रनिंग से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। मैराथन के मुतालिक एक गलत फहमी, दरअसल मैराथन यूनान के एक गांव का नाम था जहां 490 कबल मसीह में अहले एथेंस ने हमलावर पर्शियन फौज को ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। किस्सा मशहूर है कि इस फतह की खुशखबरी अहले एथेंस को सुनाने के लिए एक सिपाही दौड़ाया गया जिसका नाम फाइडी पेडीज था। ये सिपाही एथेंस पहुंचा और अहले शहर को फतह का मजदा सुनाया, जश्न मनाओ हम जीत गए, ये कहकर वहीं ज़मीन पर गिरा और मर गया। उसी की याद में मैराथन दौड़ को ओलंपिक्स में शामिल किया गया। हकीकत क्या है? दोस्तों, ये किस्सा दरअसल जदीद ओलंपिक्स के बानी डी कोबर्टन के एक दोस्त माइकल ब्रेल के जहन की इख्तरा है जो बैरन के साथ यूनान गया था। दोनों ने फैसला किया कि पहली ओलंपिक्स में कम से कम दो ऐसे मुकाबले ज़रूर शामिल किए जाएं जो कदीम यूनान में खेले जाते थे। चुनांचे मायरन के मशहूर आलम कदीम मुजस्मे डिस्कोबोलस को देखकर डिस्क थ्रो को ओलंपिक्स में शामिल किया गया और मैराथन की जंग का हाल तारीख की कुतुब में पढ़कर और मैराथन से एथेंस तक का फासला देखकर मैराथन के पैगाम रसा वाला अफसाना तराशा गया और मैराथन दौड़ ओलंपिक्स मुकाबलों का हिस्सा बन गई। इस वाक़े का तारीख की कुतुब में कोई जिक्र नहीं है। अगर इस वाक़े में कुछ हकीकत होती तो हीरोडोटस जैसा मुहक्किक और जिम्मेदार तारीख नवीस इस वाक़े को अपने अहले वतन से पोशीदा ना रखता। बिलाशुबा तारीख की कुतुब में फाइडी पेडीज नामी पैगाम रसा का जिक्र मिलता है, लेकिन वो जंग मैराथन के 400 साल बाद के जमाने में पैगाम रसानी करता था और एक पेशावर पैगाम रसा था, और ये शख्स मैराथन से नहीं बल्कि एथेंस से स्पार्टा तक तकरीबन 136 मील दौड़ा था। मैराथन के पैगाम रसा का अफसाना पहली मरतबा जंगे मैराथन के 560 साल बाद प्लूटार्क ने तराशा था और कदीम यूनानी शायर होमर या वर्जिल में से भी किसी एक ने अपनी नज़मों में फाइडी पेडीज नामी पैगाम रसा का जिक्र नहीं किया। मस्कूरा पैगाम रसा की मौत का वाकया यूं भी करीने कयास नहीं है कि उस जमाने में सफर अमूमन पैदल या दौड़कर ही किया जाता था और जाती बका के लिए खा वो दुश्मन से बचाव हो या खुराक के लिए जानवरों का शिकार करने के लिए इंसान को दौड़ना पड़ता था, और जिंदगी आज की तरह आसान और सहल ना थी और ना ही मशीनों की मोहताज, और दौड़ना एक कुदरती फेल था। लिहाजा सिर्फ 26 मील दौड़कर किसी पेशावर पैगाम रसा का मर जाना
अजीब सा मालूम होता है। अगरचे मैराथन के पैगाम रसा का वाकया सरासर फर्जी है, लेकिन इस दौड़ में हिस्सा लेने वाला ये महसूस करता है जैसे वो तारीख का हिस्सा हो और इस फर्जी पैगाम रसा के नकूश पा पर दौड़ रहा हो, और ये एहसास दुनिया में और किसी मकाम पर मैराथन दौड़ कर पैदा नहीं होता। मैराथन का फासला बढ़ाने की वजह भी नहायत दिलचस्प है। चूंकि 1908 में ओलंपिक्स लंदन में मुनक्किद होने थे और विंडसर कैसल में शाही खानदान कायम पजीर था, एक शाहजादी ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मैराथन का आगाज अपने महल की खिड़की में से देखना चाहती है, और शाहजादी ने यह भी ख्वाहिश की कि वो मैराथन का इख्तिताम स्टेडियम में देखना चाहती है। लिहाजा मैराथन दौड़ का आगाज विंडसर कैसल से किया गया, जहां से स्टेडियम तक का फासला पूरे 26 मील था। स्टेडियम में दाखिल होकर शाही खानदान के बैठने की मखसूस नशिस्तों के सामने मकाम इख्तिताम तक का फासला 385 गज था। चुनांचे फासला मजीद 385 गज तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अक्सर मैराथन दौड़ के आखिरी 2.5 किलोमीटर्स में जब एथलीट बहुत थक चुके होते हैं और उनके उजलात में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, तो वो बेसाख्ता मजकूरा शहजादी की रूह को बेनुक्त मुगल्लसात सुनाते हैं और बद्दुआएं भी देते हैं। 1896 से 1924 तक मुख्तलिफ फासलों की दौड़ें मुनक्किद होती रहीं, लेकिन 1924 में हमेशा के लिए ये फासला 26 मील और 385 गज यानी 42.195 किलोमीटर मुकर्रर कर दिया गया। 1896 से 1924 तक ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ के फासलों की तफसील कुछ इस तरह से है। 1896 40.26 किलोमीटर, 1904 40 किलोमीटर, 1908 42.95 किलोमीटर, 1916 40.6 किलोमीटर, 1930 42.75 किलोमीटर, 1964 42.195 किलोमीटर। ओलंपिक्स में सबसे आखिर में मैराथन रेस का इनेकाद होता है। आगाज मुख्तलिफ मकामात से किया जाता है, लेकिन इख्तिताम स्टेडियम के अंदर ही होता है ताकि तमाशाई महजूज हो सकें। 2004 की समर गेम्स के मौके पर मैराथन रेस का आगाज मैराथन के तारीखी मैदान जंग से हुआ और इख्तिताम एथेंस के पैनाथेनिस्को स्टेडियम में हुआ। पाकिस्तान में भी 3-3 मील की दौड़ों को मैराथन का नाम दिया जाता है। इसकी वजह शायद ये है कि दौड़ों के मुंतजमीन को लफ्ज़ मैराथन के मानी ही मालूम नहीं। कभी 7 मील की दौड़ को मिनी मैराथन का नाम दिया जाता है। खुद मुंतजमीन को भी मालूम नहीं कि इस दौड़ के इंतजामात कैसे किए जाते हैं। न मौसम का ख्याल रखा जाता है और ना एथलीट्स को तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाता है। हालांकि मैराथन दौड़ने वालों के लिए कम से कम 2 माह कबल इत्तला देना ज़रूरी है ताकि वो तैयारी कर सकें। हर शख्स को हिस्सा लेने की इजाज़त होती है, हालाँकि लंबे फासले खसूसन मैराथन दौड़ में शिरकत के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि आलमी मेयार के मुताबिक जरूरी शराइत को पूरा किए बगैर किसी एथलीट को मैराथन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरान कन वीडियो से महजूज होते रहें।